आगे बढ़ेंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, और संजय सिंह के बाद अब उनके करीबी भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईडी संजय सिंह के दो करीबियों को समन भेज चुकी है। ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को अब समन भेजा है। कल ही संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया अदालत की तरफ से। ईडी के पास सवालों की फहरिस्त तैयार है जो ईडी संजय सिंह के सामने रखकर उनसे जवाब लेना चाहेगी। और इस सबके बीच शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 5 दिन की ईडी की रिमांड पर, मतलब 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में है। और बड़ी खबर यह भी कि आज ईडी संजय सिंह से पूछताछ जब करेगी तो सूत्र बता रहे हैं शराब घोटाले में आरोपी और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा जो है, जिसके बयान के आधार को ही बताया जा रहा है गिरफ्तारी की वजह बनाया संजय सिंह की, सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर भी संजय सिंह से सवाल कर सकती है। संजय सिंह से पूछे जाने वाले सवालों की ईडी के पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। तो आइए आगे बढ़ती हूं और पहले आपको बता देती हूं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका सामना संजय सिंह को आज करना पड़ सकता है। ये संभावित सवाल हैं। आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं? दिनेश अरोड़ा वही जो पहले आरोपी था और बाद में सरकारी गवाह बन गया। दूसरा सवाल, दिनेश अरोड़ा से पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? इतना ही नहीं, आगे जो सवालों में लिस्ट में अगला नंबर है वो आपके सरकारी आवास पर दिनेश अमित अरोड़ा से मीटिंग हुई क्या? अगर मीटिंग हुई तो कब और क्यों मीटिंग हुई? दिनेश अरोड़ा के साथ मीटिंग में कौन कौन शामिल था? सर्वेश मिश्रा कौन है, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है? और ये सर्वेश मिश्रा को ईडी अलग से समन भेज चुकी है। क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था? यही दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया था। क्या आपने रेस्टोरेंट मालिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था? क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था? ये वो तमाम बातें हैं जो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कही हैं। अमित अरोड़ा की पीतमपुरा की शराब की दुकान को ओखला ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका रही? क्योंकि ये फेवर बताया गया है दिनेश अरोड़ा की तरफ से कि संजय सिंह के कहने की वजह से मिला। क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे? ये बात भी दिनेश अरोड़ा ने कही है। क्या आपने सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था? करीबी सर्वेश मिश्रा संजय सिंह का, अब सर्वेश मिश्रा को भी ईडी ने समन किया अलग से। क्या पैसा आपके घर पर दिया गया था? पैसे लेते वक्त आप कहां थे? क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसे लेने की जानकारी आपको थी? तो ये वो तमाम सवाल है। अगला सवाल, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? अब देखिए, दिल्ली सरकार से सीधे तौर पर तो संजय सिंह जुड़े हुए नहीं है और ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में संजय सिंह की भूमिका। क्या आपने दिनेश अमित अरोड़ा की केजरीवाल से मुलाकात करवाई? क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में जो 2022 में दिनेश अरोड़ा ने दिया था उसमें कहा था कि साहब अरविंद केजरीवाल के घर पर मुलाकात संजय सिंह के साथ मैंने की थी। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से कि ये वो तमाम सवाल जो हम अभी दर्शकों के सामने रख रहे थे, संभावित सवाल जिनका जवाब ईडी संजय सिंह से लेना चाहेगी, ऐसे में अभी तक इन तमाम सवालों को लेकर संजय सिंह का रुख क्या रहा है और आगे इस मामले में संजय सिंह को घेरने के लिए ईडी के पास दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा और क्या है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा अगर मैं बात करूँ तो आज सर्वेश सिंह और इसके अलावा विवेक त्यागी को भी समन करके पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया है। पहले सर्वेश से पूछताछ की जाएगी, इसके बाद विवेक त्यागी से पूछताछ की जाएगी और फिर संजय सिंह को और सर्वेश को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जाएगी और संजय सिंह और विवेक को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जाएगी। यानी कि आज जो सवाल जवाब का ये दौर है वो एक काफ़ी लंबा चलने वाला है। जो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान दिए हैं उन बयानों को तो वेरीफाई किया ही जाएगा, उन बयानों के जवाब तो संजय सिंह से लेने की कोशिश की ही जाएगी। इसके अलावा क्योंकि सर्वेश का नाम भी जो है रिमांड कॉपी में लिखा हुआ था और आरोप ये था कि संजय सिंह के कहने पर ही सर्वेश दिनेश अरोड़ा के पास गए थे और वहां से 2 करोड़ रुपए लिए थे, तो ये तमाम सवालों की जो फहरिस्त है वो संजय सिंह से आज पूछे जाने हैं। तो आज जो सवाल जवाब का दौर है वो एक लंबा सवाल जवाब का दौर हो सकता है। पहले इंडिविजुअली पूछताछ की जाएगी। मनोज वर्मा, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, तो सर्वेश मिश्रा तो बताया जा रहा है कि उन भूमिका जो सामने निकल कर आ रही है करीबी संजय सिंह के, पैसे लिए उन्होंने, मतलब पैसा हैंडओवर उनको किया गया, ये विवेक त्यागी की क्या भूमिका बताई जा रही है?
जी देखिए, विवेक त्यागी के बारे में साफ तौर पर अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन विवेक त्यागी के बारे में बताया जाता है कि विवेक त्यागी संजय सिंह के करीबी हैं और लगातार ये जो घोटाला हुआ था और ये जो ट्रांजैक्शन हो रही थी इसके बारे में उनको जानकारी थी, क्योंकि जब संजय सिंह के मोबाइल की जाँच की गई, उनकी CDR निकाली गई, तब उस दौरान ये वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ED को यही लगता है कि इन तमाम बातों के बारे में, यानी कि जो दिनेश अरोड़ा ने बताई हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, उसमें विवेक त्यागी की भी भूमिका हो सकती है। यही वजह है कि जो सर्वेश मिश्रा हैं उनको तो पूछताछ के लिए बुलाया है, साथ ही साथ विवेक को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जब संजय सिंह से पूछताछ की गई थी तब उन्होंने सवालों के सही से जवाब नहीं दिए थे, इसलिए उनको रिमांड पर लिया गया। तो आज का जो सवाल जवाब का दौर है वो काफी लंबा चलने वाला है और काफी देर तक आज पूछताछ का दौर चल सकता है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी मनोज आपके पास। ABP News आपको रखे आगे।